हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। वैसे आपको पता ही है कि इंटरनेट पर फनी वीडियोज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम वह वीडियोस लेकर आते हैं जो फनी में भी नेक्स्ट लेवल की होती है, जिन्हें देखकर हंसना तो तय है। और आज का यह वीडियो भी काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले यहाँ पर रील्स बनाने वाली इन पापा की परियों को ही देख लीजिए, जो रोड क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर अपनी ऑडियंस को जलवा दिखाने के लिए डांस कर रही थी, लेकिन तभी इनके पीछे एक चचा आ जाते हैं और वह भी इन्हीं की तरह डांस करने लगते हैं। मानो वह कह रहे हों कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हमें देखे कौन। सब पापा की परियों को लाइक करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर यह लड़की रस्सी की मदद से पानी को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ में आए दो लोग मदद करने के चक्कर में ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं कि यह रस्सी को छोड़ ही नहीं पाई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इसके पैर भी पकड़ लिए, जिसकी वजह से बेचारी को पानी पार करने के इस टास्क में हारना ही पड़ा। वैसे कोई ना मैडम, दोबारा कोशिश करो, यह टास्क तो पार हो ही जाएगा। दोस्तों, अगर आप नए नए हेयर स्टाइल रखने के शौकीन हैं और आप इतने हेयर स्टाइल रख चुके हैं कि आपके पास अगर कुछ नया करने के लिए नहीं बचा है, तो यह देखिए। जी हाँ, जनाब ने इतना भयंकर वाला हेयर कट करवाया है कि पूरी दुनिया में हेयर स्टाइल के मामले में बादशाह बने हुए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आप भी ऐसा हेयर कट करवाना चाहेंगे? अगर हाँ तो मैं पैसे दे दूंगा, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं, उसे देखकर तो आप अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, एक बंदा गाड़ी को पार्क कर रहा है तो वहीं दूसरा बंदा उसे पार्क करने में गाइड कर रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखने पर आपको यही लग रहा होगा कि पार्क करवा रहा बंदा आज अगली गाड़ी को ठुकवा कर ही मानेगा। तभी तो यह स्पेस नाम की कोई चीज ही नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर मामला क्या चल रहा है। और यहाँ पर इस टैलेंटेड बंदे के टूथब्रश पर नजर डाल लीजिए, जिसने अपने ब्रश को बीच में से काट रखा है। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बेवकूफी है, ब्रश को खराब कर दिया। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि ब्रश को ही नहीं बल्कि ब्रश पर टूथपेस्ट लगाने के लिए इन्होंने दो मुंह वाली टूथपेस्ट ले रखी है। और यह सब इसने क्यों किया है, वह भी देख लीजिए। दोस्तों, किसी से बे इंतहा प्यार करना किसे कहते हैं, आज हम आपको दिखा ही देते हैं। जी हाँ, जब कोई किसी से प्यार करता है और उसे वह ना मिले, तो कुछ ऐसे कारनामे भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक बंदा कॉर्नर में चाय लिए बैठा है और मोबाइल में किसी लड़की की फोटो देख रहा है। मजे की बात तो यह नहीं है कि वह लड़की की फोटो देख रहा है, बल्कि मजे की बात तो यह है कि बंदा चाय पीते पीते लड़की की फोटो पर थोड़ी सी चाय डालता है और उसे चाटने लगता है। तभी कोई बंदा पीछे से आकर उसके कारनामे कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और वह देखते ही रह जाता है। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और इस बंदे के साथ में जो हुआ है, ऐसी घटनाएं तो लाखों में कभी कभार ही होती है।
जी हाँ, जैसे ही यह बंदा अपने हाथ में 3 रिंग लेकर जगलिंग करके अपना टैलेंट दिखा रहा होता है, तभी एक पक्षी आता है और बेचारे की 1 रिंग हवा में ही उड़ा ले जाता है और यह उसे देखता ही रह जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी काम में कुछ ज्यादा ही खोए हुए होते हैं और अचानक से कोई बंदा आकर हमें डरा दे तो हम एक बार तो चौंक ही जाते हैं, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे वीडियो आपने कई देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देख आप खूब हंसने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर एक बंदा किसी इंसान को नहीं बल्कि गाय को डराने की कोशिश करता है और वह कामयाब भी हो जाता है। ताले तू। और अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर तो आप इतने सतर्क हो जाएंगे कि कभी भी अपने नौकर को झिड़कने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो आपके साथ कर सकते हैं वो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, देखिए, एक नौकरानी की करतूतों को देखने के लिए जब उसके मालिक ने किचन में कैमरा ही सेट कर दिया तो उसे देखने को मिला कि नौकरानी तो जूस में अपना पेशाब ही मिलाकर पिला रही है। ये क्या हो गया? बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्तों, अब हम आपको ऐसे बंदे से मिलवाते हैं जिसे 10-15 ऑस्कर अवार्ड भी दिए जाएं तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि देखिए भाई का टैलेंट ही कुछ ऐसा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इस वीडियो में द लल्लन टॉप के रिपोर्टर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसके दौरान वह उससे पूछते हैं कि आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं। तो भाई ने जवाब दिया कि वह इस देश पर राज करना चाहते हैं और यह भाई इस देश को सुधारना भी चाहते हैं। लेकिन जब रिपोर्टर ने पूछा कि कैसे सुधारेंगे, तो इनका जवाब सुनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, इसमें मजे की क्या बात है, तो आगे देखिए। आप आगे चल के क्या करने का इरादा है आपका जिंदगी? मैं इस पर देश पर राज करना चाहता हूँ, इसको देश को सुधारना चाहता हूँ मैं। शाबाश बेटा। कैसे राज करोगे और कैसे सुधारोगे? शराब बंद हो जावे हिंदुस्तान में। ये तो शराब बंद हो जाएगी। जी, शराब बिल्कुल बंद, शराब बंद और नशा बंद। जी बिल्कुल, ये भंग, चरस, गांजा, ये सब खोक रहे हैं। ये बताओ, कह रहे हैं कि शराब बंद, नशा बंद, है ना, सब नशा बंद कर रहे हैं, पर गुटखा तो आप भी खा रहे हो, आपकी दांत बता रहे हैं। जो गुटखा तो बढ़िया लगा है। हाँ जी, खा रखा, कमला पसंद है। शाबाश। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अफसोस में पड़ जाएंगे कि यार दुनिया में कितनी तरह के लोग रहते हैं। जी हाँ, देखिए, जनाब पिछवाड़े से पाइप लगाकर ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वह भी सुन लीजिए। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल स्मेल, ब्यूटीफुल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। अब इस पापा की परी को देखिए, जो मेट्रो का दरवाजा खुलते ही बाहर की साइड कैमरा रखकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लगती है। बेचारी पापा की परी सोचती है कि कुछ देर तो मेट्रो रुकेगी, लेकिन इनका डांस पूरा होता है उससे पहले ही मेट्रो चल पड़ती है और मैडम का मोबाइल स्टेशन पर ही रह जाता है। अब बताइए, इनको हम जो तोपों की सलामी देते हैं वो गलत है या फिर सही, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दोस्त अपने एक दोस्त का बर्थडे मना रहे थे और वह इस इंतजार में थे कि कब बर्थडे बॉय कैंडल को फोंक मारता है और वह उसका मुंह केक से भर दें। लेकिन बर्थडे बॉय भी इनकी चालाकी समझ गया था और वह जल्दी से कैंडल को बुझाकर निकल लेता है। और मजे की बात तो देखिए, एक भाई साहब बर्थडे बॉय के ऊपर केक को फेंकते भी हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। मुझे तो यह बंदा दिमाग में इनका सीनियर लग रहा है, तभी यह लोग इसे केक से नहीं भर पाए। वह गुरु मान गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? दोस्तों, अब मिलिए इन ज्ञानी बाबा से, जो हमें एक मेडिकल वार्निंग देना चाहते हैं। इनका कहना है कि हमें मछली खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने की वजह से वह मछली आपके पेट में तैरने लग जाएगी और उसके बाद आपके पेट में क्या होने लगेगा वह भी सुन लीजिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और इन भाई साहब के दिमाग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ, यह भाई साहब फोटो खींचकर अपनी आंखों का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं,
जिसके बाद वह उसे काट कर चश्मे के ग्लास में सेट कर लेते हैं और ऑफिस में पहनकर सो जाते हैं ताकि बॉस को बिल्कुल भी पता ना लगे कि वह सो रहे हैं। अब बताइए, ऐसे लोगों की मूर्ति बननी चाहिए या फिर नहीं? और अब इस पापा की परी को देखिए जो कहीं जा रही थी, तो इन्हें सड़क पर पड़ा नोट दिखाई देता है और जैसे ही यह उसे उठाने के लिए झुकती है तो इनके साथ अनोखा ही कांड हो जाता है। दोस्तों, अब इस पापा की परी को देखिए जो रास्ते चलती एक थार गाड़ी को हाथ देकर रुकवा लेती है और वह भलाई करने के चक्कर में गाड़ी को रोक भी लेता है। लेकिन देखिए, पापा की परी ने लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी को नहीं रुकवाया है बल्कि इसे तो कांच में देखकर अपने बाल ठीक करने थे। दोस्तों, आपने शतरंज खेला होगा तो आपको पता ही है कि शतरंज में सामने वाले बंदे की गोटी को मारकर अपनी तरफ रख लिया जाता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन इनका गोटी मारने का तरीका कुछ अलग है। नो, 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 नो। क्या कर रहे हैं यार तू? और यहाँ पर साइड में बैठा हस्बैंड अपनी वाइफ को डोसा बनाना सिखा रहा था। लगता है भाई का आज मौन व्रत है, इसलिए भाई इशारों में ही वाइफ को समझा रहा था कि पहले बैटर को तवे पर डालो और उसे फैला दो, और वाइफ भी वैसा ही करती है जैसा हस्बैंड इशारों में समझा रहा था। जिसके बाद बंदा डोसे को पलटने के लिए बोलता है तो मोहतरमा तवे को ही पलट देती है। अब यहाँ पर इस बंदे ने जो दिमाग दौड़ाया है उसे देखकर तो आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। जी हाँ, देखिए, बंदे को जोर से लगी थी लेकिन पब्लिक टॉयलेट में पानी नहीं था, तो बंदा वापस बाहर भागता है और पेड़ के पत्ते ही तोड़कर ले आता है ताकि वह कम से कम पिछवाड़े को साफ तो कर सके। और डांस कर रहे इन बंदों ने तो इतना तगड़ा डांस किया है कि स्टेज भी बुरा मान जाता है। और यहाँ पर इस बंदे के जूते में कुछ फंस जाता है तो भाई एक जगह रुककर जूते को उतारते हैं और उसे हिलाते हैं ताकि उसमें फंसा कचरा बाहर निकल जाए, लेकिन जूते में से कुछ भी नहीं निकलता है। तो भाई जूते को पास खड़ी कार पर रखकर मोजे को चेक करने लगते हैं, तभी कार रवाना हो जाती है और भाई एक टांग पर ही उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। अब इन मोहतरमा के डांस को भी देख लीजिए, जिन्होंने ऐसे ठुमके मारे हैं कि नोरा फतेही भी इनके सामने पानी भरती है। लेकिन मजे की बात तो यह नहीं है, बल्कि मजे की बात तो यह है कि पास में दीवार पर एक बंदा अलग ही जलवा दिखा रहा है, जिसे देख लोग मोहतरमा को भूल जाते हैं और उसे देखने लग जाते हैं। ये बात शाबाश बेटा। अब आप ही बताइए किसका डांस ज्यादा बढ़िया था। कमेंट में कंजूसी मत किया करो यार, जल्दी से कमेंट करो। साथ ही टेबल टेनिस खेल रहे इन भाई साहब का कमाल भी देख लीजिए, जिन्होंने ऐसा शॉट मारा है कि बॉल देखिए कितनी दूर जाती है। और मजे की बात तो देखिए, भाई को बॉल ना दिखी तो इन्होंने सोचा कि बॉल ग्राउंड के पार ही चली गई, जिसकी खुशी में यह अपने रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि भाई बॉल तो बल्ले के अंदर ही अटक रखी है। अब दुल्हन की एंट्री भी देख लीजिए, जिसमें सभी लोगों की नजरें दुल्हन पर जाने लगती है और हर कोई दुल्हन को घूम घूम कर देख रहा होता है। इसी दौरान यह मोहतरमा भी अपना मुंह घुमाती है, लेकिन कुर्सी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। दोस्तों, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।